छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और भिलाई शहर में हुए दुष्कर्म मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में सोमवार को महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर राजीव भवन में सुप्रिया श्रीनेत और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने साय सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राजधानी रायपुर और भिलाई में दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं और यही नहीं बल्कि प्रदेश के कई शहरों में इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार दुराचारी को बचाने में जुट जाती है। आखिरकार सरकारें क्यों दुराचारियों के साथ खड़ी होती है? त्योहार का दिन है, आज पोला है और महिलाएं खास तौर से बेटियां मायके जाएंगी और हर्षोल्लास से फिर तीजा मनाएंगी, तो सबसे पहले प्रदेश में सबको उसकी शुभकामनाएं। इस देश की बेटी हूं और कई बार अपने आप से यह सवाल पूछती हूं, ये देश किसका है? क्या यह देश आधी आबादी का है? क्या इस देश में औरतों का कोई हक है? क्या इस देश में खेत में काम करने वाली अनपढ़ मजदूर, स्कूल की नाबालिग बच्ची, दफ्तर में काम करने वाली महिला, बस में चढ़ने वाली गृहिणी और यहां तक कि अस्पताल तक में कार्यरत एक डॉक्टर सुरक्षित है? और दुख के साथ कहती हूं, त्योहार का हर्ष, त्योहार का उल्लास एक तरफ, ऐसा प्रतीत होता है कि आधी आबादी के लिए, औरतों के लिए इस देश में कोई जगह ही नहीं बची है। आज पूरा देश आक्रोशित है, आज पूरा देश आंदोलित है और होना भी चाहिए। जिस तरह की जघन्य घटना बंगाल में हुई, जो विभत्स तस्वीरें सामने आई, जो हैवानियत और दरिंदगी हमने देखी, वाकई में रूह कांप जाती है। लेकिन मैं उसे निर्भया 2 नहीं बुलाती हूं। कितनी निर्भया चाहिए इस देश को? कितनी निर्भयाओं की कुर्बानी होगी जब यह देश जागेगा, जब सत्ता का संरक्षण खत्म होगा? मैं सिहर उठती हूं जब मैं बदलापुर के बारे में पढ़ती हूं। मैं वहां गई, 2 छोटी 4 साल की बच्चियों का यौन शोषण और उस पर लीपापोती की कोशिश, और इससे अछूता आपका छत्तीसगढ़ भी नहीं है। चाहे वो रायपुर के बस स्टेशन पर सामूहिक बलात्कार का मामला हो, चाहे वो भिलाई के डीपीएस स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला हो, चाहे वो रायगढ़ के पुसौर में एक आदिवासी महिला के साथ 14 लोगों के दुष्कर्म का मामला हो, चाहे वो फिर से जशपुर में एक पॉक्सो का नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुराचार किया गया हो, कोंडा गांव में एक महिला की के साथ जो दुष्कर्म किए गए, सामूहिक दुष्कर्म, छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। किसी भी महिला के खिलाफ उत्पीड़न, उसका शोषण, उसके खिलाफ बलात्कार का मामला पूरे आधी आबादी के खिलाफ का मामला है, और यह सभ्य समाज पर धब्बा है, आप लोगों पर धब्बा है, पुरुषों तक पर धब्बा है। धब्बा इसलिए क्योंकि आपके घर में बेटियां हैं, बहन है, पत्नी है, मां है, लेकिन सरकारें उसके बाद क्या करती हैं? कलंकित दुर्घटनाएं होती हैं, फिर सरकार क्या करती है? सरकार दुराचारी को बचाने में जुट जाती है, सरकार लीपापोती में जुट जाती है, सरकार रायपुर के सामूहिक बलात्कार को कहेगी ये एक व्यक्ति द्वारा किया बलात्कार है, ये गैंग रेप नहीं है। 20-20 दिन तक कोंडा गांव में एफआईआर नहीं लिखी जाती है, लोग आंदोलित होते हैं, लोग सड़कों पर आते हैं। बदलापुर में 500 लोगों को रेल पटरी को जाम करना पड़ा, तब 5 दिन बाद जाकर आरोपी गिरफ्तार हुआ और 24 घंटे बाद एफआईआर लिखी गई। तो सरकारें क्या करती हैं? सरकारें किसके साथ खड़ी रहती हैं? क्या सरकार में बैठे हुए सत्ताधीश इस देश की बेटियों के साथ खड़े हैं? क्या वो महिलाओं के साथ खड़े हैं? क्या वो कहते हैं
कि तुम उड़ो, तुम्हें उड़ने के लिए सुरक्षा हम देंगे, ऐसा प्रतीत तो नहीं होता है। क्योंकि चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, संरक्षण हमेशा आरोपी को मिलता है। पुलिस और प्रशासन हर बार आरोपी को बचाने की कोशिश करते हुए पाए जाते हैं। उत्पीड़ित महिला को, पीड़ित महिला को दर दर भटकना पड़ता है और अब न्याय के लिए यह एक नया चलन है, आंदोलन करना पड़ेगा तो आपकी FIR लॉज होगी, आंदोलन करना पड़ेगा तब गैंगरेप को गैंगरेप कहा जाएगा। जब तक मीडिया मुखरता से नहीं उठाएगा आपकी कोई सुनवाई नहीं है, जब तक विपक्ष सड़कों पे नहीं उतरेगा सो हुए सत्ताधीशों के कान पर जू नहीं रेंगेगी। और ये क्यों हो रहा है, कहां से आता है इन मनबड़ लफंगों को ये हौसला कि ये देश की आधी आबादी के साथ ये हैवानियत करते हैं, कहां से आता है ये संरक्षण? क्योंकि इनको पता है कि इनको ना पुलिस का, ना प्रशासन का, ना कानून का रत्ती भर डर है। इनको पता है इनको बचाने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है। एक आदमी सांसद रहते हुए इस देश की सबसे होनहार बेटियों का यौन उत्पीड़न करता है, संरक्षण किसे मिलता है? संरक्षण उस आरोपी को मिलता है, बेटियों को सड़कों पर घसीटा जाता है, बूटों तले रौंदा जाता है। वो कहता है दबदबा बना हुआ है और उसको चुप कराने वाला पूरी सत्ता की सरकार में कोई नहीं था। एक विधायक है वो हत्या और बलात्कार का दोषी पाया गया उन्नाव में और उस पर तब तक कार्रवाई नहीं हुई जब तक कोर्ट ने इंटरवीन करके नहीं कहा क्या तमाशा कर रहे हैं, आदमी को गिरफ्तार तो करिए। सारा देश आक्रोशित है, हमने बंगाल में भी प्रदर्शन किया, हमने बदलापुर में भी किया, हमने छत्तीसगढ़ में भी किया, हम जिला भर आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कल भी हम इस पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? पिछले 9 महीने में छत्तीसगढ़ में 600 से ज्यादा जघन्य बलात्कार के मामले सामने आए हैं, 3000 से ज्यादा आपराधिक गतिविधियां हुई हैं महिलाओं के खिलाफ।